कोरोना महामारी से आज दुनिया भर में दहशत है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। पर मेरी मौत की वजह एक ऐसी बीमारी बनने वाली थी जिसका इलाज इंसानी दिमाग कभी नहीं ढूंढ पाया। अब हम तुमसे डरने नहीं वाले, समझे? अच्छा, तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारेगी? हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति इस कोरोना के संकट से जूझ रही है, लेकिन हमारा देश कोरोना के अलावा कई और वायरसेस से भी जूझ रहा है, जैसे कि अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, अन्याय, गरीबी और महिलाओं पर अत्याचार। ये सब ऐसे वायरस हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को बीमार करते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाला वायरस, जो कि सबसे खतरनाक वायरस है, इसने महिलाओं के अस्तित्व को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी वायरस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगतनी पड़ती है। आज का ये केस इसी वायरस से जुड़ी एक कहानी है। तुम ये चौका चोला छोड़ो बेटा, हम कर लेंगे सब, जाओ तुम। माँ, लॉकडाउन खुलने तक ऑफिस तो जाना नहीं, कुर्सी पे बैठे बैठे देखो कितने मोटे हो गए हम। इसी बहाने घर का थोड़ा चूल्हा चौका, घर की साफ सफाई करेंगे ना तो थोड़ा अनुभव भी ले लेंगे। क्या पता इसी बहाने थोड़ा सा वजन कम हो जाए हमारा। अरे ले लीजिए। अरे कुसुम, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म होते होते तक ना हम घिसी भी टिकिया बन जाएंगे। कोरोना वायरस के चक्कर में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं और हमको 2-2 बार कपड़ा धोना पड़ता है। अरे दीदी, आप टेंशन क्यों लेती हो? कोई बात नहीं, आपका भी थोड़ा बहुत अनुभव हम बांट लेंगे, कभी कभी हम भी कपड़ा धो दिया करेंगे, ठीक है? अरे अपने बड़ के भैया का अनुभव भी बांट लीजिए। लॉकडाउन से पहले तो काम लगा नहीं, और अब आने वाले समय में रोजगार कितना मारा मारी होने वाला है, तो क्या कीजिएगा महाराज, का चमत्कार दिखाएंगे? अरे पापा, हम अपना कुंडली देख रहे हैं और इंडिया का भी। सितंबर 2020 में इंडिया बूम है, देश चमकेगा और हम भी चमकेंगे, देख लीजिएगा आप। पापा, हम अभी आते हैं। हाँ, तुम हमको डर के फोन किए हो या हमको डराने को फोन किए हो? डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? ये मीठी मीठी बातें ना तो करो ही मत हमसे। हम तुमको अपना प्यार जाहिर करने के लिए फोन किए और तुम वायलेंस पर उतर आई हो। तुम पर तो अब भरोसा ही नहीं रहा। अरे क्यों बात का वतंगड़ बना रही हो? नहीं था टाइम, इसलिए नहीं किए कॉल। अच्छा हमारी बात सुनो। हाँ मुस्कान, हम ना तुम्हें अभी ईमेल भेज देंगे, ठीक है? ओके बाय। किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं भैया, वो हमारी कलीग का फोन था, ऑफिस के कुछ काम से फोन किया था। अच्छा, तो वर्क फ्रॉम होम। हाँ भैया, ये अनुभव भी बड़े कमाल का होता है, अगर आपका जॉब होता तो आपको भी पता चलता। कुसुम? हाँ? अरे तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो कहाँ जाने की तैयारी में हो? मम्मी, वर्क फ्रॉम होम तुम्हारा तभी होगा ना जब हमारा लैपटॉप चार्ज होगा, और हमारा चार्जर खराब हो चुका है। यही पास में मारुफगंज में हमारी एक सहेली रहती है, हम तुरंत उससे चार्जर लेकर आ जाएंगे। अच्छा तो ध्यान से जाना, आज जल्दी काम खत्म करके सीधे घर आना। जी मम्मी, तुरंत आ जाएंगे। हाँ। हुआ मैडम, कोई समस्या है तो हमको बताइए ना। हेलो, हाँ शीतल दीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है। स्कूटी खराब हो गई? अच्छा अभी कहाँ हो तुम? वो यहाँ अनीसाबाद के यहाँ पे। पर कुसुम, तुम तो मारुफगंज जाने वाली थी ना, तुम्हारी स्कूटी अनीसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था, सोचा वो भी निपटा ले।
और वैसे भी अभी लॉकडाउन के चलते कहीं बाहर जाना तो होता ही नहीं है। तो बबलू भैया है ना, वो तुम्हारे पीछे ही निकले थे। एक बार उनको फोन करो, क्या पता वो तुम्हारे आसपास ही हो। बबलू भैया हमारे पीछे निकले थे? हाँ। अच्छा तुम रुको, हम बबलू भैया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनीसाबाद से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। इतना देर हो गया, अंधेरा होने जा रहा है, ना कुसुम का फोन लग रहा है ना बबलू का फोन लग रहा है। हाँ, हमको चिंता हो रहा है, गली मोहल्ला पूरा सुन हो गया है। अरे मम्मी घबराइए मत, उन दोनों का फोन का बैटरी खत्म हो गया होगा। अरे तो दोनों का बैटरी एक ही साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा मन घबरा रहा है, हमारा दोनों बच्चा ठीक है कि नहीं। अब इस लॉकडाउन में साधन भी नहीं है, कैसे खोजने जाए उनको। शंकर का बेटा मंटू, उसके पास बाइक है ना? हाँ। तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो, ठीक है? और अगर वो वापस आ जाए तो हमको फोन करना। जी पापा। कोरोना वायरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था, तब एक परिवार के दो भाई बहन कुसुम और बबलू लापता थे। उनके पिता रामनाथ उनको ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और उनकी माँ दुर्गा और बहन शीतल सकते में थे। और सुबह होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में जुट गई। जब आप लोग को मालूम है कि शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना है, तो कुसुम को रोकना चाहिए था ना? सर वो कुसुम के लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया था, वो मारुफगंज अपनी सहेली से चार्जर लेने के लिए ही गई थी। किस सहेली से? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा कुसुम तो मारुफगंज गई थी, तो यहाँ अनीसाबाद कैसे आई? यही बात हम भी कुसुम से फोन पे पूछे थे। पर कुसुम तुम तो मारुफगंज जाने वाली थी ना, तुम्हारी स्कूटी अनीसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था, सोचा वो भी लिपटा ले। अच्छा तुम रुको, हम बबलू भैया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनीसाबाद से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। हेलो, अरे का आफत है शीतल, काहे फोन कर रही हो? भैया वो कुसुम का स्कूटी है ना, अनीसाबाद में खराब हो गया है, आप उसको पिक कर लेंगे? तो यहाँ बबलू अनीसाबाद में कुसुम से मिला था? सर हमको नहीं मालूम, हमने जब दोबारा फोन किया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुसुम फुलवारी शरीफ किससे मिलने गई थी? ये तो वो नहीं बताई थी हमको। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से सच छुपा रही हो? हो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफेयर चल रहा हो। ये क्या बोल रहे हैं साहब, हमारी कुसुम ऐसी नहीं है। सर वहाँ पे एक फीमेल का सैंडल मिला है, उस पे खून के धब्बे भी हैं। हाँ सर ये देखिए, सर ये सब देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कुसुम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ। माना कि सबूत मिला है, लेकिन कुसुम का स्कूटी यहाँ पे खराब हुआ था, तो क्या कुसुम स्कूटी समेत गायब हो गई? और उसका भाई बबलू, वो बाइक समेत गायब है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब कुसुम और बबलू के घर वालों से भी नहीं मिले थे। जैसे कि कुसुम घर से निकली थी मारुफगंज जाने का कहकर। यही पास में मारुफगंज में हमारी एक सहेली रहती है, हम तुरंत उससे चार्जर लेकर आ जाएंगे। तो क्या मारुफगंज में कुसुम की कोई सहेली थी, या फिर घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने परिवार वालों से झूठ बोला था? हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था। तो फुलवारी शरीफ में ऐसा कौन था जिससे कुसुम मिलने वाली थी? और सवाल ये भी था कि क्या उस शाम कुसुम और बबलू मिले थे, और अगर मिले थे तो फिर गायब कहाँ हो गए, और अगर नहीं मिले थे तो उनके इस तरह से अचानक गायब हो जाने के पीछे आखिर क्या कहानी थी? सवाल कई थे और जवाब ढूंढने के लिए मारुफगंज से लेकर फुलवारी शरीफ और अनीसाबाद के कई इलाकों में छानबीन शुरू की गई। कुसुम और बबलू के दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी सवाल जवाब किए जा रहे थे। मैं कमिश्नर। कमें। सर ये हमारे थाने के ऑफिसर और कांस्टेबल का फिटनेस रिपोर्ट। ऑल गुड? यस सर।
ग्रेट। अच्छा तुम जो भाई बहन के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसकी क्या अपडेट है? सर हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारे हिसाब से भाई में ही कुछ गड़बड़ है सर। तुम्हें एडिशनल टीम की जरूरत नहीं? नहीं सर। फिर भी अगर जरूरत हो बता देना। सर मामूली केस है, वैसे भी लॉकडाउन मैनेजमेंट में आपको ज्यादा बड़ी टीम का जरूरत है सर। क्यों कह रहे हो? सर डीएम सर के पास जाने का टाइम हो गया। सर सर माना कि बबलू भैया काफी गुस्सैल हैं, लेकिन वो हमको और कुसुम को लेके काफी प्रोटेक्टिव भी हैं। यानी बहनें कहाँ जा रही हैं, किसे मिल रही हैं, इससे पर नजर रखते थे, सही कहे ना? हाँ सर। सर एक बात और बताना था, उस दिन हमने भैया को किसी से फोन पे बात करते सुना था। बबलू से मिलने का वजह मत पूछा कर, समझा? चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है। इस लॉकडाउन में दारू का इंतजाम भी करेंगे तुम्हारे लिए, आ जाओ। चल आपको तो ये नहीं पता कि कुसुम मारूफगंज किससे मिलने गई थी या फुलवारी शरीफ किससे मिलने जा रही थी, और अब आप बता रही हैं कि बबलू किसी को पीटने के लिए गया था, तो अब इसका क्या समझे हम कि कुसुम ने बबलू को गायब कर दिया कि बबलू ने कुसुम को गायब कर दिया? बस कीजिए सर, हमारा बेटा बेटी 2 दिन से गायब है, आप कुछ बोले जा रहे हैं? ये नहीं कि हमारा बच्चा लोग को आप खोजे ढूंढे कि कहां है कुणाल में। शीतल के बयान के बाद पुलिस बबलू को जानने वाले हर दोस्त हर जानकार से मिल रही और फिर भाई बहन के कॉल रिकॉर्ड्स में नए समीकरण सामने आए। सर बबलू के दोस्तों से ये नहीं पता चल रहा है कि वो उस शाम किसको पीटने वाला था, लेकिन सर बबलू और कुसुम दोनों के फोन उस शाम अनीसाबाद में एक साथ ही बंद हुए थे। यानी दोनों भाई बहन उस शाम मिले होंगे। लेकिन सर दोनों भाई बहन के एक साथ गायब होने की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, और सर कुसुम के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर भी मिला है जो उस शाम फुलवारी शरीफ में ही एक्टिव था, और उसकी बहन ने बताया कि वो उस शाम फुलवारी शरीफ में किसी से मिलने वाली भी थी। किसका नंबर है? सर नंबर 89। सर ये नंबर मनेर के एड्रेस पर रजिस्टर है और उसी शाम से बंद है जब से कुसुम और बबलू दोनों गायब हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम सच कह रहे हैं, हम किसी कुसुम बबलू को नहीं जानते। जानते नहीं हो तो कुसुम को फोन काहे करते थे? सर जब जानते नहीं तो हम क्यों फोन करेंगे सर? ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड, इसमें साफ दिख रहा है कि तू कुसुम से कई बार फोन पे बात करता था, अफेयर चल रहा था ना कुसुम के साथ तेरा। बता कहां है बुलाया उसे फुलवारी शरीफ में? सर हम कभी फुलवारी शरीफ गए ही नहीं, और सर जिन कॉल रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं सर ये हमारा पुराना नंबर है। घुमा रहा है हमें? अरे याद दिलाओ इसे सब। आप लोगों ने बताया कि कुसुम का किसी के साथ अफेयर नहीं था, लेकिन कुसुम लगातार इस नमन नाम के लड़के के साथ फोन पे टच में थी। आप लोग जानते हैं इस लड़के को? नहीं सर हम नहीं जानते। सर जी वो नमन तो वहीं का वहीं पर है। इस लड़के की डिटेल निकालो। जी सर, पर सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और कोई और हो जो उस फोन नंबर का गलत इस्तेमाल कुसुम को फुसलाने के इरादे से कर रहा हो। लेकिन हमें बबलू का एंगल भी देखना होगा, क्योंकि उसके जैसे भाई को ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि कोई लड़का उसकी बहन से इतनी बात करे। हो सकता है इसी गुस्से में उसने कुसुम को गायब किया और खुद गायब। सर अनीसाबाद में जंगल के पास एक लड़की की लाश मिली है। सकता है कि लड़की के साथ रेप स्कूटी मिली? नहीं सर, और सर बबलू का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सर हो सकता है कि बबलू इसी को मार के भाग गया हो। कुसुम के घर वालों को स्नैक के लिए बुलाओ। सर हमारी बेटी, लाश का चेहरा पहचानना काफी मुश्किल है, लेकिन हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले, क्या ये कपड़े कुसुम के? मैडम कोई समस्या है तो हमको बताइए ना।
यस ब्रदर आलोक, व्हाट हैपेंड? अरे अभी हम न्यूज में पढ़े हैं, उसका फोटो भी देखें, वही स्कूटी वाली लड़की का मर्डर हुआ है। इका ट्रेजिक हो गया। अब तुम रुको, हम अभी चिंटू को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं, एक मिनट रुको। का तो स्कूटी वाली लड़की का मर्डर हो गया? अबे कौन मारा बे उसको? भाई हमरे तो रोंगटे खड़े हो गए बात को सुनकर। मानो कल की बात है जब हम उसे देखे थे सामने। अब भूल जाओ भाई, अगर हम गलती से भी किसी को कह दिए कि हम उस लड़की को देखे थे तो हमारा सनी मंगल सब खराब हो जाएगा, क्या समझे? सही बोले आलोक, कहीं ऐसा ना हो जाए पुलिस हम ही पर इल्जाम डाल दे। सर हम लोगों को तो लग रहा था कि कुसुम का रेप हुआ होगा, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो कहानी बदल के रख दी। क्रिमिनल बहुत सातिर है हरीश, वो दिखाना चाह रहा है कि जैसे रेप हुआ, लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि मर्डर केस है और फिलहाल गुनाहगार सिर्फ बबलू नजर आ रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा क्राइम सीन रच के भागा है कि लगे बहन का रेप भाई। नहीं सर, ये कहानी कुछ और ही है। अरे कुछ और का छोड़िए दिनेश जी, आपके रिटायरमेंट को 4 दिन ही बचा है, 4 दिन में पकड़ डालिए क्रिमिनल को और जाने से पहले लूट लीजिए वाह भाई। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपना अगला कदम उठाने वाली थी, अब उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए थे। कुसुम के घर वालों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। शांत हो जाइए। देखिए कुसुम का पोस्टमार्टम कराने से रिपोर्ट बदल नहीं जाएगा, आप लोग तमाशा बंद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। मीडिया इस मुद्दे को लगातार रिपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद थाने के सीनियर पुलिस ऑफिसर को इस केस का संज्ञान लेना पड़ा, जो उस वक्त लॉकडाउन से संबंधित ड्यूटी में व्यस्त थे। राजेश्वर मालूम है ना गजेंगे लौड़ी, फिर ये सब क्या? सर वो मैं इन लोगों को मना कर कर। साहब हमें न्याय चाहिए, हमारे बेटे को ठीक से ढूंढा नहीं जा रहा है और हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में सिर्फ मर्डर आया है। साहब आप एक बार आप लाश को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आपकी क्या मांग है हमें मालूम है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप माहौल तो देखिए, इतनी भीड़ लगा रखी, भीड़ हटवाइए यहाँ से। साहब हमको आपसे आश्वासन चाहिए कि पोस्टमार्टम दोबारा होगा और हमारे बेटे को ठीक से ढूंढा जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनती है हम करेंगे, ठीक है? अब भीड़ हटवाइए। राजेश भीड़ हटवा, चलिए हटिए, आप लोग हटा सको, चलिए हटिए हटिए प्लीज, चलिए हटिए। संभाल लोगे? मैं टेंशन ना लूं, ये संभाला। सर हम लोग पूरा डेडिकेशन के साथ जांच कर रहे हैं सर। जो भी जांच हुई है स्टडी की है मैंने, सबसे पहले वो लड़की क्या नाम है? कुसुम, उसका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना होगा। हरीश बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजवा। सर और वो लड़की कुसुम, उस दिन फुलवारी शरीफ में जिस लड़के से मिलने जा रही थी वो नमन अवस्थी था? सर वो कोई दूसरा ही लगता है, क्योंकि नमन अवस्थी के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला है और नमन लगातार कह रहा है कि वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो है लेकिन उससे वो इस्तेमाल नहीं करता। तो उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाए होंगे? सर टेलीकॉम कंपनी में रिक्वेस्ट भेजे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सर हमें बबलू पे ज़्यादा शक है। जब तक सबूत ना हो, कोई भी एंगल महज एक थ्योरी होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर बबलू पे इतना ही शक था तो उसे ढूंढा क्यों नहीं अभी तक? बबलू क्या तुम कुसुम की स्कूटी तक नहीं ढूंढ पाए? सर वो लॉकडाउन की वजह से, और सर दिनेश जी भी आज ही रिटायर हो रहे हैं सर। अरे हाँ दिनेश जी। सर दिनेश जी आज तो आप रिटायर होने वाले हैं। सर इमरजेंसी का वक्त है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम ड्यूटी पर ही रहते हैं। अरे नहीं दिनेश जी, आपने बहुत योगदान दिया है और बाकी टीम है ना, हम संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। थैंक यू सर। अरे वाह दीदी, आज बड़ी कमाल लग रही हो, ऐसी चली जाओ नीरज जी के सामने। धत, कुछ भी बोलती हो तुम पागल। अरे शादी करनी जा रही हो और वो भी घर वालों की मर्जी से, काहे शर्मा रही हो? नहीं वो बात तो नहीं है, पर जब भी हम अपना शादी का बात सुनते हैं ना तो पापा का उदास चेहरा सामने आ जाता है, पता नहीं इतना सारा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। अरे दीदी काहे टेंशन ले रही हो, हम 1-1.5 लाख तक जोड़ रखे, दे देंगे पापा को। कुसुम की सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से काफी अलग है सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुसुम का ब्रूटल गैंगरेप हुआ था, लड़की को पैर के नाखून से लेके सर तक गिद्धों की तरह नोचा गया, उसके मुंह में किसी लकड़ी को ठूस कर उसके वोकल कॉर्ड को डैमेज किया गया, प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया और वह हैवान यही नहीं रुके, उसके सर पर किसी भारी पार्ट का वक्त तकरीबन 7 बजे और 2:30 बजे के करीब कुसुम ने अपनी बहन शीतल को फोन करके बताया था
कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है। हाँ शीतल दीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है। मतलब लड़की ने तकरीबन 5 घंटे टॉर्चर सहा। सर कुसुम के नाखूनों में रेपिस्ट के स्किन के ट्रेसेस मिले, और भी चौंकाने वाले पॉइंट्स हैं सर इस रिपोर्ट में। सर कुसुम 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कोई नामो निशान नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई बबलू कहाँ गायब है। और सबसे हैरान की बात यह है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब मेंशन क्यों नहीं था। इस एरर की इंक्वायरी करनी होगी। सर इस एरर के पीछे कौन है, मुझे इसका हिंट मिला है। सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को सस्पेंड कर दिया गया। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस का रुख मोड़ कर रख दिया था। सवाल यह भी था कि क्या बबलू इसमें इन्वॉल्व था, और वो अब तक गायब क्यों था। पुलिस ने क्राइम सीन के 1 किलोमीटर के रेडियस में फिर से छानबीन शुरू करवा दी, और अब बारी थी कुसुम के माता पिता के सच जानने की। बोलिए, क्या आप लोगों को पता था कि कुसुम प्रेग्नेंट थी? सर हमको तो ये सोच के भी अजीब लग रहा है कि कुसुम प्रेग्नेंट थी। हो सकता है बबलू को भी अजीब लगा, उसे बहुत गुस्सा आया होगा जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। बबलू कहाँ है? बस कीजिए सर, बस कीजिए, हमने अपनी बेटी खोई है, उसके भाई के लिए परेशान है, और आप कुछ छुपाने जा रहे हैं। हाँ मैं सर, बबलू मिल गया है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसका भी मर्डर हो गया। सर लाश के पास कुसुम की स्कूटी और बबलू की बैग भी मिली है, सब कुछ झाड़ियों से पूरी तरह से छुपाया गया था। कुसुम की स्कूटी इस एरिया में खराब हुई थी, मतलब बबलू कुसुम को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था। और कुसुम की लाश यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहाँ मिली, तो पहले बबलू को यहाँ मारा गया होगा, उसके बाद कुसुम को किडनैप किया गया। क्रिमिनल्स ने बबलू की लाश को यहाँ पर डंप किया, शायद उनका मकसद कुसुम का सस्पेक्ट बबलू को बनाना रहा हो। स्कूटी बाइक बबलू सब कुछ यहीं था। राजेश्वर ने अगर ठीक से छानबीन करवाई होती ना, तो एक केस इतना ना उलझता। सर शीतल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बबलू का किसी से झगड़ा हुआ था, और वो अपने दोस्तों के साथ किसी को पीटने का प्लान भी बना रहा था। चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है। हो सकता है कि सब कुछ बबलू के किसी दुश्मन का किया धरा हो सकता है, कुसुम और बबलू के पूरे परिवार का दुश्मन हो, या ये वो भी हो सकता है जिसने कुसुम को प्रेग्नेंट किया। जो भी है, हमें हर एंगल पर नए सिरे से काम करना होगा। बिना वक्त गवाए बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। राइट सर। सर नमन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक विमल चौधरी नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर नमन और विमल दोनों का नंबर उस दिन फुलवारी शरीफ में एक्टिव था, जहां कुसुम जाने वाली थी। सर ये विमल, लेकिन सर ये इस वक्त जेल में है। जेल में? जी सर, इसने लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछताछ की तो ये उनसे बहस करने लगा, पुलिस वालों ने इसे जेल में डाल दिया। तो थोड़ी बहस हम भी करते हैं इसके साथ। साहब हम किसी कुसुम को नहीं जानते, वो मुझे फुलवारी शरीफ में अंकुश ने बुलाया था। कौन अंकुश? विमल जल्दी से फुलवारी शरीफ पहुंचो। फुलवारी शरीफ? अरे लेकिन बात क्या है साहब, अंकुश बोला वहां एक लड़की को डराना धमकाना, तो बस हम वहां पहुंच गए। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ मर गई। साहब वहाँ वो लड़की आने वाली थी, वो आए नहीं तो हम दोनों चले गए। थी वो लड़की? हमें तो ये नहीं मालूम कि ये वो लड़की थी या नहीं। ध्यान से देख, क्योंकि हमने देखा नहीं था साहब। जिस लड़की का तुम लोगों ने रेप किया, जिसका कत्ल किया, तुम लोगों को ये नहीं पता वो लड़की कौन थी? अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं साहब, हमको नहीं मालूम कि लड़की का खून किसने किया, बेशक अंकुश ने किया होगा तो हमको मालूम नहीं साहब। कहाँ मिलेगा ये अंकुश?
साहब हमने कुसुम के साथ कुछ नहीं किया, हम तो प्यार करते थे कुसुम से। प्यार करते थे, फिर उसे फुलवारी शरीफ में धमकाने के लिए क्यों बुलाया? फेमल, सब कुछ भाग चुका है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। वो फुलवारी शरीफ नहीं पहुंची तो तू अनिसाबाद पहुंच गया, वहां पहुंचकर तूने इसके भाई बबलू को मारो। और कौन कौन शामिल था इसमें? हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस उसे समझाना चाहते थे कि वो हमें भूल जाए। तेरा अफेयर था ना उसके साथ, इसे प्रेग्नेंट भी तुमने किया था। अंकुश, एक प्रॉब्लम हो गई है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। सर बहुत बुरा फंसे थे हम, हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता रिया के साथ तय कर दिया। वैसे दिखने में कुसुम ज्यादा अच्छी थी, लेकिन रिया अपने बाप की इकलौती, बहुत पैसा उसके पास, इसलिए कुसुम को रास्ते से हटा दिया, और उसके भाई बबलू को भी। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। प्लानिंग तो बहुत लंबी की थी तुमने, पर अब तो बहुत लंबा फंसेगा। नमन नाम के लड़के के सिम से तो कुसुम को फोन करता था ना? नहीं सर। वो सिम कहां से आया तेरे पास? सर नमन हमारे हॉस्टल में था, हमने तभी उसका सिम रख लिया था। तो ये नमन भी तुझे बचा रहा था, ये भी शामिल है इसमें? हमने कुछ नहीं किया सर, हमारा यकीन कीजिए। सर हमारा यकीन कीजिए। आप रो क्यों रहे हो? हमारा बच्चा बहुत बीमार है, हम अपने गांव आसनसोल जा रहे हैं मालिक। अरे बाप रे, इतनी दूर और वो भी पैदल? देखा, इस महामारी ने सबका हालत खराब कर दिया। अरे तुम डरो मत, हम गरीबों को खाना पीना बांट रहे हैं। तुम बैठो, तुम्हारे बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, बैठो। अरे नहीं नहीं, आप कहीं तकलीफ उठाएगा, हम चले जाएंगे। अरे इसमें तकलीफ कहेगा, दीजिए दीजिए बच्चे को, हमें दीजिए। अरे दीजिए, आप दीजिए, थोड़ा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए ना। अरे दीजिए, अब आइए आइए, चलिए बैठिए बैठिए, गाड़ी में बैठिए। बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो, अब गाड़ी के अंदर बैठो। अरे हमारे बच्चे को दीजिए, छोड़ो छोड़ो। ए चिंटू, गाड़ी चला ले। सर अंकुश को बहुत तोड़ा, नमन और विमल दोनों को दोबारा से रिमांड के लिए, लेकिन सर कोई कुछ नहीं उगल रहा है। ये अंकुश, नमन और विमल, इन तीनों का डीएनए को कुसुम के नेल्स में जो स्किन ट्रेसेस मिले थे उनसे मैच करो। सर। हेलो, अगर तुम दोनों इस जुगाड़ में हो कि कुछ माल मटेरियल मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बेरोजगार है हम, कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ भैया, लेकिन एक बार पॉकेट में हाथ तो डालिए, क्या पता कुछ मिल जाए। अरे काहे रक्षाबंधन के दिन हमारी इज्जत निकाल रही हो? देखो ना, ये देखो हमारे पॉकेट में कुछ नहीं। ये कहाँ से आ गया? भैया ये पक्का कुसुम ने रखे होंगे। हाँ भैया, लेकिन आपसे वापस लेने के लिए नहीं, ये आप ही के रक्षाबंधन का गिफ्ट है। अरे नहीं नहीं, रक्षाबंधन के दिन बहन से गिफ्ट नहीं ले सकता। रख लीजिए ना भैया। और वैसे भी कौन से डॉक्टर ने कहा है कि रक्षाबंधन पे भाई को ही बहन को गिफ्ट देना है? दिल का बुरा नहीं था हमारा बबलू, उसी बेरोजगारी ने उसका जबर कड़वा कर दिया। सर कुसुम की लाश भी हमें इसी तरह मिली थी सर, बिल्कुल वैसा ही नजारा है सर। हो सकता है कि इसे भी कुसुम के कातिलों ने मारा हो। हो सकता है इसके हाथ पैर
उस रस्सी से बांधे गया। कुसुम के हाथ पैर पे भी इसी तरह के निशान थे। कुसुम की बॉडी के पास कोई रस्सी मिली थी? नहीं सर, कोई रस्सी नहीं मिली। आसपास चेक करो, सब जगह चेक करो। सब दीजिए, दीजिए बच्चे को हमें दीजिए। अरे दीजिए ना, थोड़ा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए। सर ये मोबाइल भी मिला यहाँ पे। ऑन करो देखो किसका। सर चेक किए, ऑन नहीं हो रहा, शायद बैटरी डेड है। चार्ज करवाओ देखो किसका। सर मोइन, वहाँ वो औरत की लाश और यहाँ ये छोटा बच्चा, कहीं इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं? आई मीन हो सकता है ये बच्चा उसी औरत का, उस औरत के साथ कुछ गलत हुआ और छीना झपटी में उसका ये बच्चा यहाँ पे गिर गया और मोबाइल भी गिरा। एक काम करो, हाईवे पे आजकल इतनी गाड़ी तो होती नहीं, इतनी आम दिनों में होती थी, लॉकडाउन चल रहा है, हाईवे पे जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। राइट सर। सर ये मोबाइल एक नीलम नाम की औरत का है जो एक माइग्रेंट लेबर है। मेरी उसके घर वालों से बात हुई है, वो अपने बच्चे के साथ पैदल आसनसोल के लिए निकली थी। मतलब बच्चा उसी औरत का था। फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। सर मेरी पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हुई, उस लड़की के साथ भी गैंगरेप हुआ था। यानी उस मजदूर औरत नीलम को पहले मारा गया? सर मैंने क्राइम वाले दिन की हाईवे एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वहां एक सिल्वर गाड़ी सस्पिशियस मिली, इसका नंबर प्लेट फेक था। शायद इसी गाड़ी से उस औरत को किडनैप किया गया। बैठो बैठो, आप गाड़ी के अंदर बैठो। अरे अरे बच्चों को दीजिए, छोड़िए। ए चिंटू गाड़ी चलाओ। और सर क्राइम सीन से जो रस्सी मिली थी मैंने उसके बारे में भी पता किया, वैसी रस्सी बेंत के फर्नीचर को बांधने के काम आती है और बेंत के फर्नीचर बनाने का काम दानापुर में होता है। अब अगर हम 2+2=4 करें तो थ्योरी ये बनती है कि सिल्वर कार में उस मजदूर औरत को किडनैप किया गया होगा और किडनैपर्स या मुजरिम जो भी हैं वो दानापुर में फर्नीचर वर्कशॉप से जुड़े हो सकते हैं। और अब अगर हमें इस सिल्वर कार और मुजरिमों को ढूंढना है तो हमें दानापुर में ढूंढना होगा। लेकिन सर लॉकडाउन की वजह से सारे फर्नीचर के कारखाने बंद हैं, वहाँ पर पूछताछ नहीं की जा सकती। एक आइडिया है, काम मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। कोरोना वायरस थर्मल स्क्रीनिंग। अरे साहब आप, दिनेश जी आप तो शास्त्री नगर में रहते हैं फिर यहाँ दानापुर में? साहब यहाँ दानापुर में भी हमारा अपना घर है, वो हम प्लान किए थे कि रिटायरमेंट के बाद यहीं आके रहेंगे इसलिए यहाँ आ गए, लेकिन साहब ये पीपी किट। हरीश है। अरे हरीश कैसे हो? बढ़िया सर। तो साहब ये कोरोना ड्यूटी में ये थर्मल स्क्रीनिंग का ड्यूटी भी पुलिस को ही दे दी है क्या सरकार? दिनेश जी आपको कुसुम मर्डर केस याद? हाँ सर याद है। कोई है शहर में जो लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और हमें पूरा शक है कि वो इसी एरिया का है। साहब यहाँ दानापुर से? जी, और हमें ये भी खबर लगी है कि जो भी है वो सिल्वर रंग की गाड़ी इस्तेमाल करता है। क्या बात है चिंटू, इतना अर्जेंट में काहे बुलाया? यार पुलिस को पक्का हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पता चल गया लेकिन कैसे? अरे वो इंस्पेक्टर मिला था पापा को, कह रहा था कि हाईवे वाले कार में किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आज एक खबर सुनकर दिल दहल गया है, एक मजदूर लड़की 500 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव जा रही थी, बेंत की रस्सी से बांध कर उसको अगवा कर लिया, बलात्कार किए फिर मार कर फेंक दिए कुछ हैवान। और देखिएगा पापा,
इस बार भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस के बस की बात ही नहीं है ये। इंस्पेक्टर साहब मिले थे आज हमको, और हमको लगता है कि वो जानते हैं कौन लोग हैं इस कांड के पीछे। कोई सिल्वर रंग की गाड़ी को ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन हमने तो हमारी सिल्वर गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगवाए थे हम, फिर कैसे पता चल गया? देखो पुरानी बातों को छोड़ो, अब सोचो आगे क्या करना है यार। साहब हम मानते हैं कि हमने उस मजदूर औरत का रेप किया और उसे मारे भी, लेकिन साहब हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया, सब सच कह रहे हम। हाँ साहब हम उसको नहीं मारे हैं, हम बस उसका रेप किए। सुन रहा आगे बोलो। और वो भी रेप करने का कोई प्लान नहीं था, बस वो तो गलती से हो गया सर। भैया आप कहाँ जा रही थी? भैया वो फुलवारी शरीफ में हमारी एक कलीग रहती है ना, बस झूठ बोलने लगी हो ना तुम हमसे। अब एक नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया तेरा। आवाज नीचे करके बात कीजिए। तेरी आवाज सब ऊपर नीचे कर देंगे हम, बहुत पर लग गया ना तेरे। या काय छेड़ रहे लड़की को है, कछु प्रॉब्लम है कबे? साहब उसका भाई मर गया तो हम उस लड़की को कंट्रोल करने के लिए बांध दिए और गाड़ी में डाल दिए साहब, और उस लड़के की लाश को वो स्कूटी और बाइक को वहीं पर ठिकाने लगा दिए थे। साहब हम पहले सोचे कि उस लड़की को भी मार ही देते, लेकिन साहब हमको मजाक करना था तो हम थोड़ा दूर चले गए। साहब हम सोचे कि वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगी, लॉकडाउन में उसे कौन देखता था। कुसुम को हमको पत्थर से नहीं मारे थे सर, उस मजदूर औरत को जरूर पत्थर मार के उसका चेहरा बिगाड़ा था सर हम लोग। साहब हम ये सोचे थे कि आप लोगों को यही लगेगा कि कुसुम के कातिल ने उसे मारा होगा, लेकिन साहब हम कसम से कह रहे हैं हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया साहब, हमने तो उसको जिंदा छोड़ दिए थे वहीं पर। ये तीनों ये तो कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने कुसुम का रेप किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने कुसुम को मारा भी। सर मेरी दिनेश जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वारदात वाली शाम उनका बेटा चिंटू शाम को 6 बजे घर पहुंच गया था, जबकि कुसुम का मर्डर 7 बजे के आसपास हुआ है। और सर मैंने कंफर्म किया है कि चिंटू के दोनों दोस्त आलोक और सनी वो दोनों भी शाम को 7 बजे अपने अपने घर पहुंच गए थे। तो फिर कुसुम को किसने मारा? पापा मम्मी खाना। चलिए रामनाथ जी चलते हैं। मंटू, वही मंटू जिसके साथ आप उस दिन कुसुम को ढूंढने गए, उस मंटू ने हमें कुछ बताया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था साहब, जब हमें पता चला कि कुसुम शादी से पहले पेट से है। अंकुश एक प्रॉब्लम हो गई है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। हमारे पैर तलों की जमीन निकल गई, हमने किसी से कुछ नहीं बोला सिवाय बबलू के। हमने कल्पना भी नहीं की थी कुसुम हमारा मुंह काला कर देगी। तो अब क्या करेंगे आप? धृतराष्ट्र की तरह जाएंगे या गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे? नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबलू से मिलने का वजह मत पूछा कर, समझा? चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बनाए। हमारे कहने पर बबलू ने पहले ही प्लान बना लिया था। उस रोज कुसुम जब सहेली से चार्जर का बहाना करके निकली तो हम समझ गए ये उसी लड़के से मिलने जा रही है। हमने पीछे से बबलू को उसके पीछे लगा लिया, लेकिन उसके बाद बबलू का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। हम मंटू के साथ उसे खोजने गए, बबलू तो नहीं दिखा, लेकिन कुसुम। हमने मंटू से विनती की और इतना ही बोला कि उसका रेप हुआ था, समाज उसे नहीं अपनाता। कैसे बाबू, बेटा अगर कैसा भी हो तो चलेगा, और बेटी, वो बेटी जिसे किसी ने धोखे से गर्भवती बना दिया वो अशुद्ध हो गई? अशुद्ध वो नहीं, अशुद्ध तुम जैसे लोगों की सोच है। इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा।
उस इंसान को कौन से चेहरे ने जकड़ रखा है ये हम नहीं जानते और धोखा खा जाते हैं। इस केस में कुसुम अंकुश को अच्छा समझ रही थी जो बुरा निकला। कुसुम का भाई बबलू और उसका अपना पिता रामनाथ वो सबके चेहरे से धोखा खा गई। और वो तीन दरिंदे जिन्होंने दो महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी उनके भी दो चेहरे थे। अपने परिवार की महिलाओं के सामने एक अच्छे इंसान का चेहरा, लेकिन वही चेहरा दूसरी महिलाओं को देखते ही बदल जाता था, हैवान बन जाता था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।